नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चंडीगढ़ शहर में हरियाणा की नई विधानसभा बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही वर्तमान विधान भवन और पंजाब विश्वविद्यालय में भी प्रदेश को पूरी हिस्सेदारी मिलने वाली है। लंबे अरसे से इनके लिए प्रयासरत हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तीनों मांगे केंद्र सरकार ने मान ली है। मंगलवार शाम विधानसभा अध्यक्ष ने इन विषयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने विधानसभा अध्यक्ष को तीनों मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। हरियाणा में हर हित रिटेल स्टोर योजना के प्रति युवाओं में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से चिन्हित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। यदि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो उनके लोन का एक साल का ब्याज सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विट्टा के 5,000 बूथ खोलने की योजना भी बनाएं। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बाजारों आदि में विट्टा का बूथ होना चाहिए। पोर्टेबल केबिन बनाकर बूथ खुलवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बूथों पर अन्य कंपनियों के उत्पाद भी रखें ताकि कंपटीशन से हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता में आवश्यकता अनुसार सुधार कर सकें। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू करने की मंजूरी। 21 फसलों को किया जाएगा कवर। इस योजना के तहत ओलावृष्टि, पाला, वर्षा, बाढ़, आग आदि जैसे मापदंडों को लिया गया है जिससे फसल को नुकसान होता है। इस योजना के तहत कुल 21 सब्जी, फल और मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। योजना के तहत किसानों को सब्जी एवं मसाला फसलों की 30,000 रुपए और फल फसलों की 40,000 रुपए की बीमा राशि के विरुद्ध केवल 2.5% यानी लगभग 750 रुपए और 1,000 रुपए ही अदा करने होंगे। दावा, मुआवजा, सर्वेक्षण और नुकसान की 4 श्रेणियों यानी 25, 50, 75 और 100% की सीमा पर आधारित होगा। यह योजना वैकल्पिक होगी और पूरे राज्य में लागू होगी। अब सभी वर्गों के BPL परिवारों को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को मकान की मरम्मत कराने के लिए अब हरियाणा सरकार द्वारा 50,000 रुपए की बजाय 80,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि BPL परिवार के लोग अपने पुराने घर की मरम्मत करा सकें। पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को ही दिया जाता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों को इस योजना के तहत कवर किया जाता है। ऐसे लोगों ने किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिया हुआ हो या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 वर्ष या इससे अधिक का समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत करने के लायक हो गया है तो ऐसे लाभपात्रों को 80,000 रुपए अनुदान की राशि एक मुश्त दी जाएगी तथा यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नंबर दर्ज होंगे। काफी समय बाद सपना चौधरी ने काफी तगड़ी वापसी की है। हरियाणवी डांसर का हर दिन कोई न कोई गाना रिलीज होता है। सपना के सभी गानों को दर्शक खूब पसंद करते हैं। हाल ही में डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का नया गाना बाबाजी रिलीज हुआ है। इस गाने में सपना की एक अलग ही साइड निकल कर आई है। इस नए गाने में आपको सपना का एक अलग ही नया अवतार देखने को मिलेगा जहां पूरे गाने में ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह सपना इसमें भी अपना पिया से प्यार जता रही है, लेकिन गाने के लास्ट में दर्शकों को एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सपना चौधरी के इस नए गाने में बाबाजी में एक्ट्रेस के साथ विशु पुठी नजर आ रहे हैं। इस गाने को आवाज विशु पुठी ने दी है। इस नए गाने को YouTube पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा नगरपालिका चुनाव में पिछड़ा वर्ग यानी BC श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने की नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बाउल निवासी रामकिशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने बहस के दौरान बेंच को बताया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग यानी BC श्रेणी के प्रधान पद को आरक्षित कर रही है। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कोर्ट हरियाणा नगरपालिका चुनाव संशोधन नियम 2020 के नियम 70A को रद्द करने का आदेश दे। कोर्ट को बताया गया है कि सरकार ने बिना आधार BC श्रेणी के लिए प्रधान पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। आज से पहले कभी भी BC के लिए स्थानीय निकाय का प्रधान का पद आरक्षित नहीं किया गया था। सरकार का यह फैसला स्पष्ट रूप से अवैध, भेदभावपूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। गन्नौर सोनीपत में बिना गेट पास के मंडी में एंट्री करने वाले किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा। किसानों को धान में ट्रॉली का कांटे पर वजन कराने के साथ ही गेट पास मिलेगा। यहाँ CCTV कैमरों की निगरानी रहेगी। गन्नौर मार्केटिंग कमेटी द्वारा कांटे की एंट्री व एग्जिट मार्ग पर 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिसका कंट्रोल रूम मार्केट कमेटी सचिव के दफ्तर में स्थापित किया गया है। मार्केट कमेटी के सचिव आशा रानी ने बताया कि कैमरे में किसान एंट्री करता हुआ नजर आना चाहिए जो रिकॉर्ड में रहेगा। CCTV कैमरे लगने के बाद धान चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश
लग जाएगा। इसके साथ ही कांटे की रिपेयरिंग भी करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बिना गेट पास के किसान मंडी में एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बूम बैरियर लगाए गए हैं। गेट पास बनने के बाद ही बूम बैरियर खुलेगा, जिसके बाद किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी में प्रवेश करवा सकेगा। गन्नौर अनाज मंडी में बोली पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इस बार 1509 धान के भाव लगभग 2600 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिल रहे हैं। हुड्डा की मीटिंग से 4 विधायक गायब। पंजाब में सियासी उठापटक के बाद पूर्व सीएम ने अपनी कोठी पर ली विधायकों की बैठक। हुड्डा ने मीटिंग में पहुंचे 31 में से 27 एमएलए के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस कई अहम मुद्दों पर मनोहर सरकार को घेरेगी और जल्द ही हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ता आपराधिक ग्राफ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, शैली चौधरी और रेणु बाला नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हरियाणा सचिवालय में पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें कि जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे तो मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी। इनेलो ने 25 सितंबर को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की। 6 एकड़ में लगाया टेंट, बनाई 4 से ज्यादा मंच। हरियाणा के जींद में इनेलो पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवलाल की 108वीं जयंती सम्मान दिवस समारोह के रूप में मना रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जींद की नई अनाज मंडी में 6 एकड़ में टेंट लगाया गया है और 4 से ज्यादा मंच बनाए गए हैं। इनेलो इस रैली में तीसरा फ्रंट देश स्तर पर बनाने का दावा कर रही है, जिसमें से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, जयंत चौधरी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, केसी त्यागी, यशवंत सिन्हा, पंजाब के प्रकाश सिंह बादल आदि कई बड़े नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जिन किसानों ने आंदोलन में जान गंवाई है उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए भी बुलाया गया है। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत और ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है। रैली स्थल पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए कवर्ड एरिया में वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवलाल की इनेलो पार्टी हर साल 25 सितंबर को उनके जन्मदिन पर सम्मान दिवस के रूप में मनाती आ रही है। अब की बार इनेलो 108वीं जयंती मनाने जा रही है। ताऊ देवलाल इनेलो के फाउंडर भी हैं। ताऊ देवलाल को हरियाणा में किसानों के बड़े नेता के रूप में माना जाता रहा है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से हुई मौत पर परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। 30 दिन में डीबीटी के जरिए होगा पैसे का भुगतान। कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने मुआवजे के अलावा कोर्ट को यह भी बताया है कि कोरोना से हुई मौतों को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी जिला स्तर पर काम करेगी। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब बड़ा सियासी हमला किया है। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं बख्शा। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका को अपने बच्चे जैसे बताते हुए कहा कि उन्हें अभी राजनीति का अनुभव नहीं है। कैप्टन ने यह भी कह दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी सूरत में सीएम नहीं बनने देंगे। अगर सिद्धू मुख्यमंत्री चेहरा हुए तो कांग्रेस विधानसभा में डबल डिजिट लायक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इससे साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब अपनी सियासी राह चुनने की तैयारी कर ली है। वह नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी अथवा किसी दूसरे दल में जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है। मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दौरा अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए। इससे पहले बयान जारी कर उन्होंने कहा कि यह दौरा अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करूंगा। इस दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय व ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लूंगा।
नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9 में दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए कक्षा 9वीं की प्रवेश परीक्षा की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तय की गई है। कैंडिडेट्स NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए छात्रों का जन्म 1 मई 2006 से लेकर 30 अप्रैल 2010 के बीच होना चाहिए। जिस जिले में नवोदय विद्यालय है वहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की हो वे यहाँ 9वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। चयन परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। महंत को समाधि, नरेंद्र गिरी के मौत की जांच CBI करेगी। योगी सरकार ने की सिफारिश, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हटाए गए, विभागीय जांच के भी आदेश दिए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच अब CBI करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश कर दी है। इससे पहले बागम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भूसमाधि दे दी गई है। अंतिम क्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर ने संपन्न कराई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को डॉक्टरों के पास पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट CM को बंद लिफाफे में भेजी जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट में फांसी लगाने के बाद सामने निकल कर आई है। वहीं सुसाइड नोट में आरोपी आनंद गिरी और आधा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। परीक्षा में कथित पेपर लीक व फर्जीवाड़े को लेकर बेरोजगार धरना देने के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से SI के कुल 859 पदों के लिए 13 सितम्बर से लेकर 15 सितम्बर तक दो पारियों में परीक्षा सम्पन्न करवाई गई थी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कथित रूप से धोखाधड़ी करने के आरोप में बीकानेर और जयपुर से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा केंद्रों से नकल के वीडियो तक वायरल हुए थे।